हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांग में संचलन एवं मांग में खिसकाव की। तो बच्चों मांग में संचलन और मांग में खिसकाव क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मांग में संचलन, देखिए मांग को प्रभावित करने वाले हमने कई सारे कारण पढ़े थे, जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और प्राथमिकता, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट पढ़े थे। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक तो वस्तु की कीमत हो गया, दूसरा है कीमत के अलावा बाकी के जितने कारण हैं उन सबको अलग कर दिया। तो बात हम ये कह रहे हैं कि जो मांग में संचलन होता है, जिसको कि हम मांगी गई मात्रा में परिवर्तन भी बोलते हैं, तो ये केवल और केवल कीमत की वजह से होता है, यानी कि ये होता है केवल कीमत की वजह से, केवल कीमत के कारण। ये आप याद रखिएगा, यानी कि मांग में संचलन जो होता है या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है वो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। तो मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझा देता हूँ। मान लीजिए हम स्टार्टिंग करते हैं ए संयोग से, यानी कि कीमत 100 रुपये पर हम जो मांग कर रहे हैं वो 100 कर रहे हैं। मांग में संचलन तब कहलाएगा जब कीमत घटने पर उपभोक्ता पहले से ज़्यादा वस्तु खरीदेगा, और अगर कीमत बढ़ जाती है, यानी कि हम यहाँ मान लेते हैं 120, तो उपभोक्ता पहले से कम वस्तु खरीदता है। यानी कि जब वस्तु की खुद की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता ज़्यादा वस्तु खरीदे, सॉरी कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता कम वस्तु खरीदे और कीमत घटने पर उपभोक्ता ज़्यादा वस्तु खरीदे, तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं बच्चों मांग में संचलन या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। यानी कि बेसिकली ये किसकी वजह से हो रहा है, कीमत, खुद की कीमत की वजह से हो रहा है। यानी कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों मांग में संचलन। आपको ये बात याद रखनी है कि ये केवल कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। तो मैं डायग्राम के थ्रू भी बच्चों आपको समझा देता हूं किस तरीके से मांग में परिवर्तन होता है। तो ये देखिए, यहां पर हमने ए पॉइंट ले लिया है, यानी कि कीमत 100 रुपये पर जो मांग है वो 100 ही है। अब मान लीजिए कीमत बढ़कर 120 हो जाती है, चलिए मान लेते हैं हम कीमत 120 हो जाती है, तो कीमत जैसे ही बढ़ती है जो मांग है वो घट जाएगी। मान लीजिए ये जो बी पॉइंट हो गया, यानी कि क्या बता रहा है कि जैसी कीमत बढ़ेगी जो मांग है वो घट जाएगी और मांग हो जाएगी 50। तो यहाँ पर आपको बी पॉइंट, यानी कि आपने ऊपर की तरफ चलन हुआ, मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हुआ। इसी तरीके से बच्चों अगर हम मान लेते हैं कि कीमत घटकर 80 हो जाती है, और 80 रुपये पर कितना हो रहा है मांग, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने कहा कि 80 पे मांग जो है वो 150 हो जाती है। अच्छा, ये बी पॉइंट की जगह सी पॉइंट बोल देते हैं इसको, ये बी पॉइंट हो गया, यानी कि इस तरफ मांग वक्र, इसका मतलब इसी को बोलते हैं संचलन, यानी कि एक ही मांग वक्र पर संचलन, एक मांग वक्र पर संचलन। ठीक है बच्चों, तो इस केस में अगर हम तीनों पॉइंटों को जोड़ दें, ठीक है, तीनों ही पॉइंटों को जोड़ दें, तो ये जो कर्व बनेगा इसको हम बोलते हैं, तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए बनाएंगे, इसको बोलते हैं मांग वक्र। और ये जो मांग वक्र है ये क्या कर रहा है, ऊपर और नीचे संचलित हो रहा है। तो मांग में जो संचलन होता है वो कीमत की वजह से होता है, कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है हमारा मांग में संचलन या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। और इस स्थिति में मांग वक्र ऊपर और नीचे दोनों तरफ संचलित कर सकता है। मांग में विस्तार की बात करें बच्चों, तो मांग में विस्तार जो होता है वो होता है कीमत में कमी के कारण। ठीक है, यानी कि इस हिस्से को देखिए, मांग में विस्तार का मतलब है ए से बी, ये वाला जो हिस्सा है ये मांग में विस्तार कहलाता है, ये वाला। तो एक बार मैं अलग से डायग्राम बना देता हूं, मतलब मांग में विस्तार क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए कीमत 100 रुपये पर मांग 100 है, और की मांग में विस्तार तब कहलाएगा जब कीमत, मांग में विस्तार यानी कीमत के घटने से और मांग का बढ़ जाना, यानी कि ए से जो बी है ये कहलाता है बच्चों मांग में संचलन। यानी कि यहां पे मांग वक्र किस तरफ चला, नीचे की ओर। यानी कि अगर मांग में संचलन होता है तो मांग वक्र का जो लचलन होता है वो नीचे की ओर होता है, ये आप याद रखिएगा। मांग में अगर संकुचन की बात करें तो सेम तरीका वही है कि मांग में संकुचन जो होता है वो कीमत में वृद्धि की वजह से होता है, याद रखिएगा, कीमत में वृद्धि के कारण होता है ये। यानी कि मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 100 to 100, ये ए पॉइंट हो गया, और मांग में संचलन संकुचन कब होगा, जब कीमत में वृद्धि होने पर, मैं रेड से बना देता हूं, कीमत में वृद्धि होने पर
मांग में कमी होती है, यानी कि अगर आप इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दोगे ए और सी को, तो ये जो मांग वक्र है ये ऊपर की तरफ चलेगा, यानी कि इस केस में मांग वक्र नीचे की ओर और इस केस में मांग वक्र ऊपर की ओर है। तो कारण याद रखिएगा, ये होता है कीमत में परिवर्तन के कारण, ठीक है, ये होता है कीमत में कमी के कारण मांग में विस्तार, और मांग में संकुचन होता है कीमत में वृद्धि के कारण। अगर हम बात करें बच्चों मांग में खिसकाव की, तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि मांग में परिवर्तन केवल कीमत की वजह से नहीं होता, बल्कि और भी कारणों से होता है, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाए, रुचि और प्राथमिकता में वृद्धि हो जाए, या परिवर्तन हो जाए, यानी कि वस्तु की कीमत समान रहे, मान लीजिए कीमत में कोई परिवर्तन ना आए, ठीक है, कीमत में कोई परिवर्तन ना आए, लेकिन बिना किसी कीमत में परिवर्तन के जब वस्तु की मांग बढ़ जाए या मांग घट जाए, यानी कि कीमत खुद की कीमत समान रहे लेकिन अन्य कारणों से जब मांग में परिवर्तन होता है, तो इसको बोलते हैं बच्चों मांग में खिसकाव। यानी कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको बनाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए ये मांग वक्र है हमारा स्टार्टिंग में, जो कि ए पॉइंट पर है। मांग में विस्तार तब कहलाएगा बच्चों जब समान कीमत पर ही उपभोक्ता पहले से ज्यादा वस्तु खरीदना प्रारंभ कर दे, यानी कि उपभोक्ता क्या करेगा, ज्यादा वस्तु खरीदेगा 100 से 150। तो यही वाला मांग वक्र है, अलग मांग वक्र नहीं है बच्चों, यही मांग वक्र अब दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि सेम मांग वक्र अब किधर खिसक जाएगा, दाईं ओर खिसक जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कीमत में समान रहे लेकिन किसी और वजह से मांग में कमी हो जाए, मान लीजिए मांग हो जाए 50, इसको कि हम सी पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इस स्थिति में जो मांग वक्र है वो बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी कि यहां पर आपका जो मांग वक्र है ये किधर खिसक गया, बाईं ओर खिसक गया, यानी कि मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कीमत के समान रहने पर अन्य कारणों से हो रहा है, जैसे कि रुचि में परिवर्तन, तकनीक में सॉरी रुचि में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, ये सब कारण इसके हो सकते हैं। मांग में वृद्धि की अगर हम बात करें बच्चों, तो मांग में वृद्धि तब कहलाता है जब कीमत के समान रहने पर, यानी कि कीमत क्या रहेगी, समान, लेकिन मांग करेंगे हम ज्यादा, तब उसे कहेंगे मांग में वृद्धि। तो डायग्राम टेबल तो यही वाली बनेगी, ठीक है, यानी कि 100 रुपए पर मांग 100 है, इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं, ये हमारा मांग वक्र हो गया, ठीक है बच्चों। अब मांग में वृद्धि कब कहलाएगी, जब कीमत समान रहने पर आप ज्यादा खरीदो, यानी कि मांग जो है वो दाईं ओर खिसक जाएगा, जैसा कि भी हमने आपको ऊपर समझाया था, इस केस में मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा, याद रखिएगा किधर खिसकेगा, दाईं ओर। मांग में कमी तब कहलाएगी बच्चों जब कीमत के समान रहने पर, देखिए कीमत ये समान है, ठीक है बच्चों, ये मैं पॉइंट ले लेता हूं ए, तो कीमत के समान रहने पर जो मांग है वो नीचे कम हो गई, तो इसको बोलते हैं बच्चों मांग में कमी। तो समराइज करें तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन जो है वो कीमत में परिवर्तन क्यों होता है, जबकि मांग में खिसकाव जो है वो कीमत के समान रहने पर अन्य कारणों से होता है। बाकी के जितने भी डायग्राम में जो परिवर्तन आए हैं वो उसी की वजह से आए हैं, यानी कि इस वाले केस में कीमत समान रहती है और मांग बदलती है, इसलिए मांग वक्र दाईं और बाईं ओर खिसकता है। इस वाले केस में कीमत में जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से मांग बदलती है, इसलिए मांग वक्र ऊपर और नीचे की ओर संचलित करता है। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।